नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज तारीख है 1 सितंबर और आज से मोटर व्हीकल एक्ट के नियम पूरी तरीके से बदले जा चुके हैं मोदी गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद। अब भारी भरकम जुर्माना आज से ही आपको देना पड़ेगा। सभी को इस खबर के बारे में कई दिनों पहले ही पता चल चुका था कि आज से नए नियम लागू होंगे, लेकिन लगता है कि कुछ लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी ने इस रिपोर्ट को कवर किया और दिखाया कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के आगे किस तरह से लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को पता है कि आज से नियम लागू हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नियम तोड़ रही है। ये आप देखिए सबसे पहले कि रेड लाइट को किस तरह से इस कार ने तोड़ दिया। हुंडई एक्सेंट कार ड्राइवर ने जब रेड लाइट को तोड़ा तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी। दिल्ली पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ा और जुर्माना लगा दिया। जुर्माने के बाद वो हैरान दिखा, परेशान दिखा कि आखिरकार अचानक ये क्या हो गया। उसके बाद इस बाइक सवार को आप देखिए, हेलमेट इनके पास जरूर था लेकिन हेलमेट ये हाथ पर लटकाए हुए थे और पुलिस ने जैसे ही रोका तो भारी जुर्माना देना पड़ गया। उसके बाद ये महाशय क्या कहते हैं खुद सुन लीजिए। विदाउट हेलमेट का तो आपको जानकारी नहीं थी, आज एक तारीख से ये नया नियम? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी अब सुबह सुबह उठे हैं, नाश्ता करके घर से बाहर निकले हैं, तो हम न्यूज़ देखेंगे, दोपहर में देखेंगे, रात में देखेंगे, जो हमें कल आज पता चलेगा। अब ये थोड़ी आज ही स्टार्ट हुआ और आज ही घर से निकलेगा तो आज ही हमारा चालान हो गया। भैया किस चीज़ का चालान कटा है आपका? अब इन्होंने वैसे तो जो मेन तो हेलमेट का ही था, मेरी वाइफ थी साथ में, उनको मेट्रो ड्रॉप करने आया था। ऐसा नहीं है कि हम 100 के नोट पे ही बैठे हैं, जो हम भी गवर्नमेंट को मान के चलते हैं, ऐसा नहीं है। जैसा वो कहेगी वैसा करना पड़ेगा। अब 100 हो या 500 देना तो पड़ेगा ही, भरना तो पड़ेगा। तो हाँ, पब्लिक जागरूक होगी, कम हो गए इससे। जैसे कि आज दिन इतवार है, संडे है, तो आज तो ज़्यादा आप लोगों को ऐसा कोई प्रयास करना नहीं पड़ा होगा, लेकिन कल से बहुत भीड़ भड़क जाएगी। ठीक है, तो क्या आपको लगता है आज तो आपने कितने चालान काटे सर? आज अभी एक ही चालान काटा है। अभी तो ज़्यादातर लोग आ रहे हैं सही, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके हेलमेट पहन के आ रहे हैं। मतलब लोगों को जानकारी है जो नियम लागू हुआ है? हाँ, कुछ को है, जिन्होंने टीवी वगैरह अखबार पढ़ी है उनको है ये जानकारी। आपका कहना है कि रोड रेज के मामले कम होंगे, जो रेड लाइट जंपिंग हुआ करती थी इसमें कमी आएगी, क्योंकि भारी भरकम जो एक जो लगा दिया है गवर्नमेंट ने, तो इससे सहूलियत मिलेगी पुलिस प्रशासन को भी? हाँ, ये बात है। अब पब्लिक अब सारे आगे कोई नहीं आ रहा, रेड लाइट पे खड़े हैं पूरे उसमें लाइन में। और अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमारे सहयोगी सार्थक शर्मा ने इस रिपोर्ट को कवर किया है, जहां पर पता चलता है कि किस तरह से आज भी नियम जबरदस्त तरीके से टूट रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझ आपको आ जाएगा कि इसी तरीके से टूटेंगे क्या अभी भी ये नियम। क्या कारण हो गया सर, क्या बात हो गई, क्यों रोक लिया पुलिस वालों ने? हेलमेट की वजह से। हेलमेट की वजह से? अच्छा, क्या पुलिस वालों की सुरक्षा होती है हेलमेट से, आपकी सुरक्षा होती है? हमारी। तो फिर लगाया क्यों नहीं, कारण क्या रह गया? सर ऐसे ही बस, मैं घर से निकला था, हेलमेट पहन नहीं रहा। फिर भी कितना असर दिखाई दिया है, क्योंकि कल भी चेकिंग थी, परसों भी चेकिंग थी, पर आज कितना असर दिखाई दिया है 1 तारीख से? आज थोड़ा हेलमेट लगा रहे हैं लोग, थोड़ा असर बढ़ा है। जागरूक हुए हैं लोग? जागरूक हुए हैं लोग अभी। अच्छा, तो जी इन्होंने बता दिया थोड़े जागरूक हुए हैं। वहीं आप देख सकते हैं बहुत से अभी भी ऐसे लोग हैं जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं, क्योंकि लोग बागों को लगता है या तो अपने आप से प्यार नहीं है, या फिर हेलमेट नहीं लगाना चाहते, या स्टाइल बेकार हो जाता है इसलिए नहीं करना चाहते। जी मतलब जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, कारण क्या हो गया? अच्छा हाँ पकड़। और ये देखिए आप देख सकते हैं, आपके सामने है जो चीजें हैं, जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। इधर भी रोक लिए गए, कितने एक जगह नहीं, हजार ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, कारण नहीं पता क्या है। कटवा का आ रहा, घर जान लग रहा, देखो अभी। अच्छा। ना कहूंगा जब भी, तो हेलमेट ले कहीं जम्मा, इतवार का दिन है। अच्छा, क्या अपने आप से प्यार नहीं करती क्या जनता, या क्या कारण है? अरे प्यार तो करें भाई, बाल कटवाएगा घर तो जाएगा, जब भी तो आदमी हेलमेट ठाकर कहीं जाएगा। अच्छा, तो सुबह हेलमेट नहीं लगाना चाहिए? मतलब यार बाल कटवा का आ रहा, कहीं बाहर थोड़े जा रहा, यहाँ से लेकर यहीं तक जाना। अच्छा जी, तो इनका कहना है यहाँ से लेकर थोड़ी दूर तक ही जाना, तो हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है, इनका ये कहना है साफ तौर पर कि अभी बाल कटवा गया तो इसलिए हेलमेट का क्या करना जी? क्यों रोक लिया गया? हेलमेट नहीं था।
अच्छा हेलमेट नहीं था तो क्यों नहीं लगाया हेलमेट? आज से तो नए नियम लागू हो गए हैं, अब पहले तो 100 रुपये का था, अब 1000 का हो गया, तो अब भी हेलमेट नहीं लगाएगी क्या? भाई सर जी पूछने जा रहे थे बारात में। अच्छा तो घर से जब निकलते हो क्या सोचते हो कि क्या करना है, हेलमेट लगा के निकले या नहीं? यार अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें? बस ध्यान। अच्छा अब आगे से ध्यान रखेंगे या भूल जाएंगे आज, फिर कल को फिर चलान कटवा लेंगे, कोई बात नहीं? नहीं नहीं भूलने नहीं अब। अच्छा अब आगे से लगा कर चलेंगे मतलब? जी जी पक्का है? पक्का। तो देखा आपने, लगता है अभी असर कम पड़ रहा है, थोड़ा दिन और इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये मालूम हो पाएगा कि क्या वाकई कानून से डर रहे हैं लोग। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार नियम क्या कहते हैं और कितना जुर्माना अब वसूला जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो ये ग्राफिक्स आप देखकर समझ सकते हैं। और आइए नजर डालते हैं कि नए नियम क्या कहते हैं, कितना जुर्माना अब कानून तोड़ने पर लगाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्राफिक्स के जरिए, आपको बताते हैं नए नियमों में शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है, जबकि दूसरी बार के अपराध के लिए 2 साल तक जेल और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिए 1,000 रुपए तक के जुर्माने को बढ़ाकर अब 5,000 रुपए तक कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए तक कर दिया गया है, यानी लाइसेंस नहीं है तो 5,000 रुपए दे दीजिए। और सीट बेल्ट ना लगाने पर जुर्माना पहले 100 रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 1,000 रुपए कर दिया गया है, यानी सीट बेल्ट भी नहीं लगाई तो 1,000 रुपए दे दो। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर पहले जहां 500 रुपए जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। नाबालिग द्वारा अपराध करने पर माता पिता या मालिक दोषी होंगे, इसमें 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है। सड़क नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। टू व्हीलर पर ओवरलोडिंग करने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है। बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर जुर्माना 1,000 रुपए से बढ़ाकर अब 2,000 रुपए कर दिया गया है। इमरजेंसी गाड़ी को रास्ता ना देने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, पहले कुछ नहीं था। ओवरसाइज व्हीकल पर 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। ओवर स्पीड पर जुर्माना 400 रुपए से बढ़ाकर अब 1,000 रुपए कर दिया गया है। डेंजरस ड्राइविंग पर जुर्माना 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। गाड़ी चलाते हुए रेस लगाने पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये हैं वो नियम जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब भारी भरकम जुर्माना आपको देना पड़ेगा। और जिस तरह की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं कानून टूट रहा है। ऐसे में पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है और इसी तरीके से एक्शन लगातार होता रहेगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, मुद्दे यही मिलेंगे। नमस्कार।